ये देखें इसे चंद लम्हों में ही इसको कितना बड़ा कर दिया। उफ 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 उफ, वाह जी वाह। ये देखें जनाब ये कैसे ये यहाँ पे फतीरा बन रहा है। ये बड़ी स्किल है भाई, ये बड़ी स्किल है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ऑफिशियल ज़ैदी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब आपने वीडियोस देखी कि ट्रैवल वीडियोस चल रही हैं ज़रा, लेकिन मैं अब एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि फोकस करेगा सिर्फ और सिर्फ खाने पे। तो मैं यहाँ पे अभी मौजूद हूँ 6th of October सिटी, यहाँ पे एक बाज़ार है उसका नाम है हुसरी बाज़ार। मैं उस बाज़ार के बीचों बीच इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं जिस रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ इसकी ब्रांचेज रियाद में भी हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है गाद रेस्टोरेंट या जाद रेस्टोरेंट, कोई लोग उसको जाद कहते हैं, कोई लोग उसको गाद कहते हैं। तो मैं अब यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं इनका जो इजिप्शियन पिज़्ज़ा होता है जिसको फतीरा ये लोग कहते हैं, तो वो आज मैं खाने आया हूँ और ट्राई करते हैं कि वो कैसा होता है। ये देखें जनाब ये हमारा बन रहा है फतीरा, एक बड़ी आर्टिस्टिक सी चीज़ है ये, कि देखें इसे चंद लम्हों में इसको कितना बड़ा कर दिया है। उफ 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 उफ, वाह जी वाह। ये देखें जनाब ये कैसे ये यहाँ पे फतीरा बन रहा है, ये बड़ी स्किल है भाई, ये बड़ी स्किल है, क्या बात है। अच्छा तो पहले ये रोटी को इतना बड़ा कर देते हैं, ये देखें कितनी बड़ी हो गई है रोटी, उसके बाद अब इसके ऊपर चीज़ें आएंगी मेरा ख्याल है। बिल्कुल यानी कि इसको इतना कर दिया कि बिल्कुल ये पेपर की तरह थिन हो गई है ये चीज़। चलें इसको यहाँ से लपेटा। अच्छा ये लपेटते जाते हैं और जो साइड्स हैं उसको काटते जाते हैं। यहाँ पे इनके पास है ये चीज़ की अलग अलग वैरायटी है, एक ये चीज़ होती है, फिर ये भी चीज़ है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से चीज़ को लगाया गया है, फिर यहाँ पे आ गया ये हज़ाबस्तरमा। हाँ हज़ाबस्तरमा, ओके। ये यहाँ पे सॉसेज होते हैं इनके, वो आ गए इसके ऊपर, इसके ऊपर फिर उन्होंने शिमला मिर्च डाल दी। यहाँ पे आ गया टमाटर, ये आ गए ऑलिव्स, एक बार शोया ज़्यादा जुबना। चीज़ आ गई जनाब, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ी चीज़ ज़्यादा डालें, तो जनाब ये अब रैप हो रहा है। ये चेक करें, ये देखें आप, वाह 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 वाह। और ये यहाँ पे पैन तैयार है और ये पैन के ऊपर चला गया। तो हमारा जो पिज़्ज़ा और फतीरा है, मैं पिज़्ज़ा बोलूँ कि फतीरा बोलूँ मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैं इसको पिज़्ज़ा समझता हूँ लेकिन यहाँ पे इसको फतीरा बोला जाता है। लेकिन एक चीज़ है, पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग होती है, ये इसमें ऊपर नहीं है, ऊपर भी ब्रेड है और नीचे भी ब्रेड है, और उसके बीच में इन्होंने जो जो भी इसके एड ऑन्स होते हैं वो सारे डाले हुए, जिसमें चीज़ है, उसमें सब्ज़ियाँ हैं कुछ, उसके अंदर बस्तरमा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको फतीरा ही कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये पाए है, ये पिज़्ज़ा नहीं है। तो हमारा जो पाए है वो इस वक्त पीछे जो ओवन है वहाँ पर चला गया है, वहाँ पर तैयार हो रहा है। खुद कम वक्त मुमकिन हम सा दकीका, तो ये बता रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा पिज़्ज़ा। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यस यस। ये जो भाई हैं ये इनका नाम है शरीफ, तो मैंने इनसे पूछा कि आप ये कब से बना रहे हैं, तो मुझे पता चला कि ये 2 साल से ये बना रहे हैं। ये देखें ये माशाल्लाह इनका काम ही यही है कि ये लोग बैक टू बैक इस तरह के पेस्ट्रीज़ वगैरह बनाते रहते हैं, पाइस बनाते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से हाथ बैठ गया इनका, मुझे लगता है कि अगर मैं सीखूँ तो जब तक मुझे भी 2 साल या 1 साल ना लगे तब तक मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। तो फाइनली हमारा जो जो पाए है वो तैयार हो गया। तो ये है जी बस्तरमा वाला पाए, ये देखें यहाँ पे इन्होंने कट लगाना शुरू कर दिए हमारे पाए के ऊपर। ये अब पाए हमारा डब्बे के अंदर जा रहा है। ये जनाब पाए हमारा रेडी है, अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। जी ख़वातीन हज़रात ये है हमारा पाए, बस्तरमा वाला पाए,
और इसको अब मैं खाने लगाऊं। चलें फिर पहला बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म है, बहुत गर्म है। ओह, थोड़ा सब्र कर लेता यार। मैंने रियाद में ये वाले पाए खाए हैं जो इजिप्शियन पाएज होते हैं, लेकिन यहाँ के पाए का जायका रियाद से टोटली डिफरेंट है। असली ऑथेंटिक। हो, बहुत गर्म है। मेरा ख्याल है कि मुझे निवाला अंदर निकल के बोलना चाहिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है, आप देख रहे हैं कैसे हिल रहा है। मुझे डर है मेरा कैमरा ही ना उड़ जाए कहीं। अच्छा, ये हवा जो है ना बड़ी ठंडी और प्लेजेंट हवा है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही है। वाह वाह। अगर आप जानना चाहें कि इसकी प्राइस क्या है, तो ये यहाँ पे जाद रेस्टोरेंट में 75 इजिप्शियन पाउंड्स का मिलता है, जो कि मेरा ख्याल है इस साइज़ के लिए, जो ये साइज़ है, एक डिसेंट प्राइस है। अच्छा, मुझे ये पता नहीं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आप कहाँ पे हैं, तो मैं जब भी आपको प्राइस बताऊँगा या अपनी वीडियोज़ में बता रहा हूँ, तो मैं आपको सारी प्राइसेज जो बता रहा हूँ वो इजिप्शियन पाउंड में बता रहा हूँ। तो कभी आप अगर पता करना चाहें इसकी प्राइस डॉलर में क्या है, सऊदी रियाल में क्या है, किसी भी करेंसी में क्या है, तो अपने आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे जाके देख लें कि इसकी प्राइस क्या है। जनाब, हवा बहुत प्यारी चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, खाना बहुत मज़े का है, गर्म गर्म है। तो मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, मैं बस ये एक डिश यहाँ पे खाने आया था, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जिस फनकारी से वो साहब बना रहे थे, शरीफ साहब बना रहे थे, वो चीज़ या फिर ये देखने में कैसा लगता है। कुछ भी आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ऑफिसर जैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।